आज से हम स्टार्ट करेंगे अपनी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की क्लासेस फॉर आरबीआई ग्रेड बी। हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है फाइनेंशियल सिस्टम, एंड मोर स्पेसिफिकली हम बात करेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे फाइनेंशियल सिस्टम को। तो मान लीजिए कि धीरू भाई अंबानी को एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली चीज इनको क्या चाहिए? पैसा, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल या फिर पूंजी। और मान लीजिए कि इनके पास खुद का पैसा नहीं है, ये कहीं से पैसा बोरो करना चाहते हैं टू स्टार्ट दिस बिजनेस। और मान लीजिए दूसरी तरफ हमारे पास है कार्तिक आर्यन, जो कि मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और कुछ एक मंथली सैलरी लेते हैं, और इस सैलरी का कुछ पोर्शन वो मंथली सेव करते हैं। तो दोस्तों अगर ये सेविंग घर पे पड़ी रहेगी तो इसकी वैल्यू दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, दिन प्रतिदिन बढ़ती है, और महंगाई के कारण पैसे की वैल्यू हमेशा कम ही होती है। आज से 10 साल पहले जो 10 रुपए की वैल्यू थी वो आज 10 रुपए की वैल्यू नहीं है। तो हमारे इस केस में कार्तिक चाहेंगे कि अपना ये पैसा कहीं इन्वेस्ट किया जाए टू गेट सम गुड रिटर्न या फिर इंटरेस्ट। और इनके जैसे और बहुत से कार्तिक आर्यन जैसे लोग होंगे जो ऐसे सेविंग करते होंगे। तो देखिए एक तरफ पैसा हमारे पास आइडल पड़ा है और दूसरी तरफ पैसे की जरूरत है। तो अब एक काम किया जा सकता है कि जो पैसा सेविंग में पड़ा है वो हम धीरू भाई अंबानी को दे दें, सो दैट वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें और इस पैसे से कुछ रिटर्न जनरेट करें, और वो रिटर्न जो है एज अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड जो है कार्तिक आर्यन जैसे लोगों को बांट दे। पर ये पैसा लेने के लिए धीरू भाई अंबानी सिंगल सिंगल किसी बंदे के पास तो जाएंगे नहीं, हमें कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे कि ये सेवर के पास जो पैसा है वो इन्वेस्टर के पास पहुंच जाए। तो दोस्तों ये जो सिस्टम है जो सेवर से पैसा इन्वेस्टर के पास लेके जाता है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। तो फिर दोस्तों फाइनेंशियल सिस्टम का काम क्या हुआ कि पैसा जो सरप्लस यूनिट के पास पड़ा है वो पैसा डेफिशिएंट यूनिट के पास पहुंचाएं, सो दैट ये पैसा प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए यूज किया जा सके। और इस सिस्टम में जो लोग सेविंग करते हैं उनको हम बोलते हैं सेवर्स, और जो लोग पैसा जिनको चाहिए और आगे इन्वेस्टमेंट करके कोई प्रोडक्टिव एसेट क्रिएट करना चाहते हैं उन लोगों को हम बोलते हैं इन्वेस्टर्स। और इन्वेस्टर क्या करेगा? पैसा लेगा, उससे कुछ एसेट जनरेट करेगा। मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगाने के लिए पहले लैंड खरीदेगा, उस पे बिल्डिंग बनाएगा, फैक्ट्री बनाएगा, उस फैक्ट्री में मशीन्स लगाएगा, उसमें लेबर रखेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, और ये जो एम्प्लॉई है आगे फिर सैलरी अपनी लेंगे, सेविंग करेंगे, और ऐसे ये साइकिल चलता रहेगा, और बिजनेस फाइनेंस होंगे और नौकरियां जनरेट होंगी। तो इस सारे सिस्टम को जो चलाने वाला सिस्टम है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। तो चलिए फाइनेंशियल सिस्टम की फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल सिस्टम हुआ क्या? एक ऐसा सिस्टम जो कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, पैसे को, सेवर से इन्वेस्टर की तरफ लेके जाता है, उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल सिस्टम। करता क्या है फाइनेंशियल सिस्टम? स्मॉल इन्वेस्टर्स जैसे कि कार्तिक आर्यन जैसे लोग थे, उनसे सेविंग्स को मोबिलाइज करेगा, इकट्ठा करेगा, और इस पैसे को अवेलेबल कर देगा इन्वेस्टर के पास प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए। तो इस पूरे सिस्टम में हुआ क्या कि हम फाइनेंशियल सिस्टम को एक इंटरमीडियरी बोल सकते हैं, एक बिचौला बोल सकते हैं सेवर और इन्वेस्टर के बीच में, जो कि सेवर से पैसा लेता है और इन्वेस्टर को दे देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम देख लेते हैं। दोस्तों फाइनेंशियल सिस्टम के 4 कॉम्पोनेंट होते हैं। फर्स्ट कॉम्पोनेंट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सेकेंड है फाइनेंशियल मार्केट, थर्ड है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, एंड फोर्थ है फाइनेंशियल सर्विसेज। इन सभी कंपोनेंट्स को हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम के बेसिस पे ही आपका पूरा फाइनेंस का टॉपिक चलेगा आरबीआई ग्रेड बी के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। दोस्तों फाइनेंशियल सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। उसमें फर्स्ट है फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम और सेकंड है इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में हमारे वही पार्ट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, मार्केट है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। दूसरी तरफ हमारे इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में जो होते हैं वो होते हैं पुराने मनी लेंडर्स जैसे होते थे, इंडिजीनियस बैंकर्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्रेडर्स। दोस्तों हम अपनी पुरानी हिंदी मूवीज में देखते थे कि जो किसान होते थे वो साहूकार से पैसा लेते थे अपनी जमीन के एवज में, और वो उनसे जो साहूकार थे वो उनसे इतना इंटरेस्ट लेते थे कि
कि अल्टीमेटली वो उनको पैसा पे ही नहीं कर पाते थे किसान लोग, और उनके गुलाम बन जाते थे। तो ये जो पूरा सिस्टम था इसको अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल सिस्टम बोलते थे, जिसमें जो पैसा देने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकता है और लेने वाला किसी भी इंटरेस्ट रेट पे पैसा ले सकता है। तो दोस्तों, अब हम जब भी बात करेंगे फाइनेंशियल सिस्टम की तो हम बात करेंगे फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम की। तो चलिए फर्स्ट कंपोनेंट देख लेते हैं फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का, जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो दोस्तों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सबसे पहला काम होता है टू मोबिलाइज सेविंग्स। मोबिलाइज का मतलब इकट्ठा करना। अब जैसे हमारे एग्जाम्पल में कार्तिक आर्यन जो थे, पैसा था उनके पास, सेविंग थी, वो इन्वेस्ट करना चाहते थे, बट वो डायरेक्टली धीरूभाई अंबानी के पास तो नहीं जा सकते। तो वो जाएंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास और कहेंगे, लीजिए हमारा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम क्या हो गया कि पैसा लेना है सरप्लस यूनिट से और उसको ट्रांसफर कर देना है डेफिशिएंट यूनिट के पास। सरप्लस यूनिट कार्तिक आर्यन मान लीजिए और डेफिशिएंट यूनिट धीरूभाई अंबानी मान लीजिए। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट एज अ लिंक बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टर। सेवर और इन्वेस्टर के बीच में वो एक लिंक बन गया। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत तरह के होते हैं और हम इसको 6 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, सेकंड है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, थर्ड हम मान लेंगे म्यूचुअल फंड्स, फोर्थ कैटेगरी है इंश्योरेंस कंपनीज, फिफ्थ है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और सिक्स्थ है रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस। तो चलिए दोस्तों, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों, बैंक्स का क्या काम होता है कि ये लोगों से पैसा डिपॉजिट को कलेक्ट करते हैं। अब हमारे एग्जाम्पल में जैसे कार्तिक आर्यन अपना पैसा कहीं डिपॉजिट करना चाहते थे सो दैट उनको इंटरेस्ट मिले, तो वो जाएंगे बैंक्स के पास और पैसा जमा कर देंगे अपना। और बैंक क्या करेंगे, इस पैसे को एज अ लोन, एज अ क्रेडिट वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को दे देंगे इन रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारे एग्जाम्पल में बैंक्स क्या करेंगे, धीरूभाई अंबानी को पैसा दे देंगे और धीरूभाई अंबानी जो है उस पैसे के ऊपर बैंक्स को ईएमआई देंगे, ब्याज देंगे, और इसी ब्याज से कुछ ब्याज जो है वापस कार्तिक आर्यन को दे दिया जाएगा। तो दो तरह के बैंक्स होते हैं दोस्तों, फर्स्ट है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स और सेकंड है नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। शेड्यूल और नॉन शेड्यूल में ये फर्क है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक वो होते हैं जो कि रिजर्व बैंक के सेकंड शेड्यूल में है, और नॉन शेड्यूल बैंक्स रिजर्व बैंक के सेकंड शेड्यूल में मेंशन नहीं है। तो शेड्यूल बैंक्स में आ जाते हैं अपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स, मतलब कि अपने गवर्नमेंट बैंक्स जैसे स्टेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि येस बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, फॉरेन बैंक जैसे डीएसबी, तुताशे बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, और अपने कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स भी सेकेंड शेड्यूल में हैं, उनको भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक बोलते हैं। नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में मोस्टली कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या फिर लोकल एरिया बैंक्स हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। दोस्तों, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो बैंक्स तो नहीं है पर फिर भी वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का काम कर रहे हैं। अब इसके बेसिस पे दो तरह के इंस्टीट्यूट होते हैं, एक को बोलते हैं हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जिनको हम एनबीएफसी कहते हैं, और सेकेंड है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो चलो एनबीएफसी देख लेते क्या है। एनबीएफसी जो है बैंक तो नहीं है पर बैंक जैसा ही काम कर रहे हैं वो लोग। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस क्या करता है, गोल्ड लोन फाइनेंस करता है, गोल्ड लेता है और पैसा देता है, बैंक्स भी ये काम करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हमारा बजाज फाइनेंस ले लो। बजाज फाइनेंस क्या करता है, व्हीकल्स को फाइनेंस करता है, बैंक्स भी व्हीकल फाइनेंस करते हैं पर बजाज फाइनेंस सिर्फ ही व्हीकल फाइनेंस करता है। तो जो एनबीएफसी होते हैं वो एक स्पेशल काइंड ऑफ काम ही करते हैं, वो सिर्फ वही बैंकिंग लाइक सर्विस देंगे। अब सेकंड हमारे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देख लीजिए, इनका काम है कि लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस देना टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। कौन से हैं ये इंस्टीट्यूशंस, जैसे हमारा एग्जिम बैंक हो गया, एक्सपोर्ट फाइनेंस करता है, नाबार्ड एग्रीकल्चर फाइनेंस करता है, एनएचबी हाउसिंग फाइनेंस करता है, सिडबी इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करता है। तो ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस है पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाए गए हैं और हम इनकी अलग अलग वीडियो में इनके फंक्शंस को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, म्यूचुअल फंड्स देख लेते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के आप वर्ड से ही आपको पता लग जाएगा म्यूचुअल का मतलब है कि कुछ लोग इकट्ठा होकर म्यूचुअली कोई फंड बना रहे होंगे। तो म्यूचुअल फंड क्या करते हैं कि यूनिट स्कीम्स लॉन्च करते हैं। यूनिट स्कीम्स का मतलब है कि जो भी पैसा आप लगाएंगे उनको ये किसी यूनिट्स में तोड़ देंगे और वो पैसा आप यूनिट्स में परचेज कर सकते हैं इन स्कीम्स को, और यूनिट्स में ही इनको रिडीम किया जाएगा, और जो भी वैल्यू पर्टिकुलर डे पे यूनिट की होगी वो पैसा आप वैसे रिडीम कर सकते हैं।
हमारे केस में कार्तिक आर्यन जो है म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा के अपना रिटर्न ले सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में किया क्या जाता है कि थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टर से लिया जाता है और उनको डाइवर्सिफाइड सिक्योरिटीज में सारा पैसा लगा दिया जाता है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, नीचे एक्सिस बैंक का एक म्यूचुअल फंड है, वो इन सारी कंपनीज में पैसा लगाते हैं और जैसे जैसे इन कंपनीज के शेयर मार्केट में जैसे जैसे पैसे बढ़ते जाएंगे घटते जाएंगे उसी हिसाब से आपके यूनिट की वैल्यू घटती बढ़ती जाएगी। और ये सिक्योरिटीज जो है शेयर भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं और डिबेंचर्स भी हो सकते हैं और कोई और अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये था दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज देख लेते हैं। दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि पैसा कलेक्ट करती है एज अ प्रीमियम और आपको इंश्योरेंस पॉलिसी दे देती है। अब इंश्योरेंस पॉलिसी कोई भी हो सकती है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है, कार की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, या बाइक की इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है, आपके घर की इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है, शॉप की इंश्योरेंस हो सकती है, और इवेंचुअली अगर कोई भी आपके साथ गलत घटना घट जाती है तो वो आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा एज अ क्लेम दे देती है। और इंश्योरेंस कंपनी करती क्या है कि ये सारा प्रीमियम आपसे इकट्ठा करेंगी और जैसे म्यूचुअल फंड पैसा लगाते थे मार्केट में, ये भी कहीं किसी एसेट में लगा देंगे, किसी मार्केट में लगा देंगे और वहां से अपना कैश फ्लो जनरेट करके आपके जो फ्यूचर में क्लेम रेज होंगे उनको ये पे करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को। दोस्तों हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो है स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको हाउसिंग का ही फाइनेंस करेंगे। मतलब आप घर खरीदने के लिए इनसे पैसे ले सकते हैं, लैंड खरीद के उसके ऊपर घर बनाने के लिए इनसे पैसे ले सकते हैं। तो इनका प्रिंसिपल बिजनेस सिर्फ है हाउसिंग फाइनेंस। ऐसी कुछ कंपनीज हैं जैसे कि है इंडिया बुल हाउसिंग कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस, DHFL, हालांकि DHFL अभी डूब गई है बट इसका काम भी जो था हाउसिंग फाइनेंस ही था। और हाउसिंग फाइनेंस जरूरी नहीं कि सिर्फ इंडिविजुअल लोगों को ही देना है, ये बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज जो कि बड़े बड़े फ्लैट्स बनाती हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाती हैं, उनको भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज फाइनेंस करती हैं। बढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस के बारे में। अब दोस्तों मान लीजिए आप स्टेट बैंक में जाते हैं, पैसा जमा कराते हैं और कल को पैसा लेना जाते हैं, तो SBI बोलेगा कि नहीं जी हमारे पास पैसा नहीं है, भागो भी आप। तो ये कोई सिस्टम थोड़ा हुआ। तो ये सारे फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए कुछ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं। इनका काम है कि सेवर और डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाए। तो ऐसे कौन से रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं देख लेते हैं। चार रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं। फर्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड है SEBI, थर्ड है IRDAI और फोर्थ है PFRDA। ये सारे हम अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे इनके फंक्शंस को। दोस्तों ये हमने पढ़ लिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, अब पढ़ते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में। दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी प्लेस है या एक मैकेनिज्म बोल लीजिए जिसमें फाइनेंशियल एसेट्स बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं। मतलब फाइनेंशियल मार्केट का काम है फाइनेंशियल एसेट्स की ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करना। अब फाइनेंशियल एसेट्स कौन से होते हैं? कोई भी हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड आपके फाइनेंशियल एसेट हैं, शेयर हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल्स, ये सब हम आगे जाके पढ़ेंगे अलग अलग वीडियोस में, बट ये सब होते हैं अपने फाइनेंशियल एसेट्स। और जो फाइनेंशियल मार्केट है वो दो तरह की होती है, फर्स्ट है मनी मार्केट, सेकेंड है कैपिटल मार्केट। अब जो मनी मार्केट है वो शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करती है। शॉर्ट टर्म फंड्स का मतलब है कि यहाँ पे जो फंड है वो 1 साल या 1 साल से पहले मैच्योर हो जाते हैं। ये जो एसेट्स हैं मनी मार्केट में, ये क्लोज टू मनी ही बोला जाता है इनको, क्योंकि इन एसेट्स को आप कभी भी पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है इनके बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स। सेकंड है कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे लॉन्ग टर्म फंड से डील किया जाता है। अब लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि मेच्योरिटी होगी 1 साल से ज्यादा। इसमें एग्जाम्पल्स हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। कैपिटल मार्केट दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी कैपिटल मार्केट और सेकंड है सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। प्राइमरी कैपिटल मार्केट में जब भी कोई नया शेयर लॉन्च किया जाता है तो वो किया जाता है प्राइमरी कैपिटल मार्केट में। इन शेयर्स को हम IPO या FPO भी बोलते हैं। और सिर्फ शेयर ही नहीं, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, जब भी फर्स्ट टाइम ये लॉन्च की जाएंगी ये की जाएंगी प्राइमरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं उनकी ट्रेडिंग की जाती है, जैसे कि शेयर मार्केट में हम रोज शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, तो ये सेकेंडरी मार्केट में काम किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अब हमारा पुराना एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही कार्तिक आर्यन और धीरू भाई अंबानी वाला। अब हमारे केस में कार्तिक आर्यन ने धीरू भाई अंबानी को कोई पैसे देने हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए।
अब ये पैसा ऐसे थोड़े ना कि वर्बली दे दिया और ऐसे हाथ मिला के दे दिया कि कल को मेरे को इतना पैसा दे देना वापस जी आप। तो ये कोई सिस्टम होना चाहिए जिससे कुछ रिटर्न में लिखा जाए कि ये पैसा कार्तिक आर्यन ने अंबानी जी को दिया है और इसके एवज में अंबानी जी या तो इनको इंटरेस्ट देंगे या कुछ कल को डिविडेंड देंगे। तो वो जो एक इंस्ट्रूमेंट है उसको मान लीजिए इन्होंने एक एक कागज दे दिया और इसको हम बोल देंगे शेयर दे दिया जी, चलो जी इनको। तो ये जो शेयर है ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जब भी जनरेट होगा तो एक बंदे की बनेगी एसेट और दूसरे बंदे की बनेगी लाइबिलिटी। एसेट कैसे कि जब भी अब कार्तिक आर्यन को शेयर मिला तो ये इनका एसेट हो गया, कभी भी बेच के पैसा ले सकते हैं। और धीरू भाई अंबानी जी की बन गई लाइबिलिटी कि जब भी पैसा इनसे ये शेयर दे के मांगेंगे कार्तिक जी तो अंबानी जी को पैसा वापस देना ही पड़ेगा इनको। तो ये एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया दो पार्टीज के बीच में जिसके तहत एक पार्टी के भी बन गए एसेट, दूसरी पार्टी का बन गया फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो ये कौन से हो सकते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी शेयर हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, ट्रेजरी बिल हो सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकते हैं। ये बहुत तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वो हम अलग अलग वीडियोज में देखेंगे कैसे हैं ये। तो चलिए दोस्तों अपना आखिरी कॉम्पोनेंट देख लेते हैं जो कि है फाइनेंशियल सर्विसेस। दोस्तों आप बैंक में पैसा जमा कराना चाहते हैं, कोई एफडी बनाने जाते हैं, तो कौन सी सर्विस यूज कर रहे हैं आप, बैंकिंग सर्विस यूज कर रहे हैं। आपको कोई इंश्योरेंस लेनी है तो कौन सी सर्विस यूज करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या देगी, इंश्योरेंस सर्विस देगी। आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो किसके थ्रू लगाएंगे, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज के थ्रू लगाएंगे। तो दोस्तों जो फाइनेंशियल सर्विस होती है वो क्या इंश्योर करती है कि वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज इकोनॉमी में हो रही हैं उनके स्मूथली फ्लो हो जाए, आराम से किया जा सके। तो ये किसके थ्रू होता है, फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू होता है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या करेंगी, ये कैटर करेंगी किनकी नीड्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जैसे कि बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, फाइनेंशियल मार्केट की जैसे कि शेयर मार्केट हो गया, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की जैसे कि अपने शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड। तो इन सबको किसी स्पेशलाइज सर्विस के थ्रू ही काम किया जा सकता है, उस स्पेशलाइज सर्विस को हम बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। तो दोस्तों ये हमने पढ़ लिया फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, इससे ज़्यादा आपको फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों आपके इजी रेफरेंस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक फाइनेंशियल सिस्टम का एक आर्टिकल पोस्ट कर दिया है हमने, उसका लिंक पोस्ट कर दिया है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे दिए गए लाइक बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करके। और जल्दी ही हम मिलेंगे आपको एक और वीडियो के साथ, और साथ ही साथ नीचे साइड में एक प्लेलिस्ट दी गई है, उस प्लेलिस्ट को क्लिक करके आप और भी वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक आगे फाइनेंस की एक और वीडियो के साथ।